अस्सलाम वालेकुम दोस्त, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 25 के साथ हाजिर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है जाओ, ZAO, जाओ। जाओ मतलब अर्ली, जल्दी, जल्दी, अर्ली, जल्दी, जाओ। की एग्जाम्पल देखते हैं। चीन थियन नी लाए हन जाओ, टुडे यू हैव कम वेरी अर्ली, आज तुम बहुत जल्दी आए हो। चीन थियन आज नी लाए तुम आए हो हन बहुत, जाओ जल्दी। ये देखा, जाओ हन जाओ बहुत जल्दी, ठीक है। जब आपने जाओ बोलना है तो आप इसको लास्ट में लगाएंगे अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के बाद, एक्शन के बाद। हन जाओ बहुत जल्दी, एक्शन क्या है, लाए, लाए के बाद आएगा ये। तो अगर जाओ के साथ हम शंग लगा दें तो ये बन जाता है मॉर्निंग, सुबह। जाओ शंग मॉर्निंग, कैसे बोलेंगे, जाओ शंग, जाओ शंग, जाओ शंग मतलब मॉर्निंग, सुबह। जाए जाओ शंग व लाए, आई कम इन मॉर्निंग, मैं सुबह को आता हूं। जाए जाओ शंग, जाए हमने देखा था ना, एट या इन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जाए जाओ शंग सुबह को, व लाए मैं आता हूं। तो जब आपने सुबह इस्तेमाल करना है जाओ शंग, तो आप इसे स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे। आपसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी टाइम है आप उसे बिल्कुल जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। जाए जाओ शंग व लाए, सुबह को मैं आता हूं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास वान, W A N, वान, 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 वान का मतलब है लेट, देर से, देर। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। नी लाए थाए वान, तुम आए हो या तुम आते हो बहुत देर से। यू कम वेरी लेट। तो आपने देखा कि वान को इस एग्जाम्पल में हमने देखे कि एक्शन के बाद लगाया है। थाई जो है वो इसको बता रहा है कि बहुत ज्यादा, थाई का मतलब होता है बहुत ज्यादा। हन की, हन का मतलब है बहुत, और हन की सेकंड जो डिग्री है वो है थाई, थाई मतलब बहुत ज्यादा। नी लाए थाए वान, तुम बहुत ज्यादा देर से आए हो या तुम बहुत ज्यादा देर से आते हो, ठीक है। वान देर, अगर इस वान के साथ हम शंग लगा दें तो यह बन जाएगा वान शंग, वान शंग मतलब नाइट रात, वान शंग नाइट रात, वान शंग नाइट रात। जाए वान शंग व चियन मियन नी, एट नाइट मैं चियन मियन मिलूंगा नी तुमसे, आई विल मीट यू एट नाइट, मैं रात को तुमसे मिलूंगा। जाए वान शंग, जाए वान शंग ये टाइम है, ये स्टार्ट में आ गया। वह चियन मियन नी, मैं तुमसे मिलूंगा, चियन मियन मिलना, ठीक है। वानशंग रात। नेक्स्ट है जी हमारे पास श्यावू, एक्स को हम शीन के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, एक्स आई ए डब्ल्यू यू, श्यावू, श्यावू, श्यावू मतलब आफ्टरनून, दोपहर, ठीक है। श्यावू कैसे बोलेंगे, श्यावू, आफ्टरनून, दोपहर। एग्जाम्पल है जी इसकी, जाय श्यावू वाचू एट आफ्टरनून, वाचू मैं जाऊंगा, आई विल गो एट आफ्टरनून, मैं दोपहर को जाऊंगा। जाए श्यावू दोपहर को, वाचू मैं जाऊंगा, टाइम है इसलिए स्टार्ट में आया है। चीन थियन जाओ शंग आज सुबह, मिंग थियन जाओ शंग कल सुबह, जो थियन जाओ शंग गुजरा हुआ, गुजरी हुई कल सुबह, ठीक है। इसी तरह चिन थियन वान शंग आज रात, मिंग थियन वान शंग कल रात, आने वाला कल, जो थियन वान शंग गुजरे हुए कल रात। चिन थियन श्यावू आज दोपहर, मिंग थियन श्यावू आने वाली कल का दोपहर, यानी कल दोपहर को, जो थियन श्यावू गुजरी हुई कल दोपहर, ठीक है। ये आप इसे अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, नहीं तो ये आपको नहीं आने वाला, और बहुत आसान है, बस आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करें,
स्टार्ट में लगता है कि हमें नहीं आएगा, हमें भूल जाएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप दो चार जुमले खुद से बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा जाओशंग सुबह, और हाओ मतलब हमने देखा गुड। तो जब हम इनको इकट्ठा लिख देंगे यानी जाओशंग हाओ, हाओ जाओशंग के बाद, तो ये बन जाएगा गुड मॉर्निंग, जाओशंग हाओ गुड मॉर्निंग, जाओशंग हाओ गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, ठीक है। श्यावु हाओ गुड आफ्टरनून, श्यावु था ना दोपहर, उसके बाद लगा दिया हाओ, हाओ मतलब गुड, श्यावु हाओ गुड आफ्टरनून, ठीक है। वानशंग हाओ गुड इवनिंग, वानशंग था रात, नाइट, हाओ मतलब गुड, लेकिन वानशंग हाओ है गुड इवनिंग, वानशंग हाओ गुड इवनिंग, वानशंग हाओ गुड इवनिंग। अगर आप किसी से कहेंगे जाओशंग हाओ तो वो आपको रिप्लाई करेगा जाओशंग हाओ, या आपसे कोई कहता है वानशंग हाओ तो आप उसे क्या रिप्लाई करेंगे, वानशंग हाओ, ठीक है, जिस तरह हम उर्दू या इंग्लिश में करते हैं। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड वानन, वानन मतलब गुड नाइट, वान लेट वाला, अन इसके साथ लगाया, ये बन गया वानन, वानन, वानन मतलब गुड नाइट, ठीक है। वान का मतलब होता है लेट, और अन जो है इसका मतलब होता है सेफ, महफूज। तो अगर हम इनको इकट्ठा कर देते हैं ये बन जाता है वानन, इस तरह से बोलेंगे वानन, इसका मतलब है गुड नाइट। इसके अलावा मैं आपको एक इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं कि हमने देखा था सुबह बखैर या गुड मॉर्निंग को कहते हैं जाओ शंग हाओ, लेकिन बहुत सारे चाइनीज जो हैं वो इस तरह भी बोल जाते हैं नी जाओ। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आपसे कोई कहे नी जाओ तो इसका मतलब भी है गुड मॉर्निंग, तो आप उसे नी जाओ कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ जो है वो बिल्कुल ही जाओ कह देते हैं, तो इसका मतलब भी गुड मॉर्निंग है, ठीक है, जाओ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ आई होगी और ये आपके लिए बहुत मुफीद होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और जरूर बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।